पैसा भरने, जब पैसा भरने के लिए नहीं तो गाड़ी बेचो ना, फिर गाड़ी बेचो, फिर गाड़ी बेच के पैसा भरो। आप खरीद लो ना मैडम, फिर आओ ना। कौन सी गाड़ी है, नाम तो बताओ, खरीद लेंगे ना हम, भर देना उससे पैसा। वर्जन 3 यामा का। हेलो हेलो, रवि कुमार जी से बात हो रही है क्या? रवि कुमार जी से बात हो रही है? तो मैं बिहाफ ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से बोल रही हूँ। आपका ये पर्सनल लोन का पेमेंट पेंडिंग है? यस यस मैम, बोलिए ना मैम। तो ये पेमेंट कब तक होगा सर आपका? ये अभी 2-3 महीना और जाएगा मैम, फिलहाल के लिए आरटीपी डाल दो। सर वैसे भी 4 महीने से आपने पेमेंट किया नहीं है। हाँ अभी और 2-3 महीना जाएगा मैम। क्यों सर ऐसा, और 2-3 महीना फंड इशू है मैम, फंड इशू है, इसकी वजह से क्या इशू है? तो सर वैसे भी 4 महीने से फंड इशू इशू थे, अभी ये 5वां महीना हो गया, और 2-3 महीना जाएगा बोल रहा हूँ ना मैम। सर कहीं से अरेंज करके करवाइए ना सर, मिनिमम तो पेमेंट करवाइए मैडम। बहुत अरेंज करने का ट्राई किया लेकिन कहीं से भी नहीं। जॉब पे जा रहे हो? जॉब पे जा रहा हूँ फिलहाल मैम, अभी मेरा बिजनेस था जो बंद हो गया, अभी क्या जॉब कर रहा हूँ। कितने टाइम हुआ अपना बिजनेस बंद हो के? ये जून मंथ में बंद हो गया मैम। अच्छा जून में ही बंद हो गया। यस मैम। कहाँ पे आपका बिजनेस था? मेरा ये बिजनेस इधर था मैम, मुमरा में था। मुमरा मुमरा में था। और ये जो चौल नंबर 4 है, रूम नंबर 10, आप यहीं पर ही रहते हो? बीआर नगर। कौन सा नगर मैम? दीवा ईस्ट में। दीवा ईस्ट में नहीं, मैं अभी मुमरा साइड रहता हूँ मैम। आपने आपका एड्रेस यहाँ पे अपडेट नहीं करवाया सर, आपने चेंज किया है? अभी क्या थोड़ा टेंशन में था। कितना टाइम हुआ सर आपको यहाँ से शिफ्ट होके? यहाँ से शिफ्ट होके ज्यादा ही नहीं, 1 साल हो गया मैम आसपास। 1 साल हो गया तो सर अभी 1 साल हो गया, एड्रेस यहाँ पे अपडेट नहीं करवाया है। न्यू एड्रेस ऑटोमेटिक हो जाता है? ऑटोमेटिक हो जाता है सर? ऑटोमेटिक कैसे होगा सर, जब तक एड्रेस नहीं बताएंगे वो कैसे अपडेट होगा? ओके ऐसा है क्या मैम? तो आपका एड्रेस बता दीजिए, मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। दीवा के इधर जाके गए थे क्या? हाँ उधर मेरा एक दोस्त फोन किया था मुझको दीवा से, वो बोल रहा था तेरा फोटो लेके घूम रहे वो लोग बैंक वाले। पता नहीं अभी कौन फोटो लेके घूम रहा है, मालूम नहीं है। अपने 1 साल से सर एड्रेस अपडेट नहीं करवाया, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए सर, मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। एड्रेस मुझको ही सही तरीके से नहीं मालूम मैडम, आपको कहाँ से? आप 1 साल से वहाँ पे रह रहे हो और आपको एड्रेस ही नहीं मालूम है? नहीं ना मैम, मैं कई बार नहीं सर। तो सर ऐसा थोड़ी होता है, जहाँ रहते हो आप घर पे कैसे जाते हो, किसी से पूछ के जाते हो कि मेरे घर कहाँ पर है बता दो? टू व्हीलर है मेरे पास। तो कुछ एड्रेस टू व्हीलर है आपके पास में सब कुछ और आप पेमेंट नहीं कर रहे हो? अभी टू व्हीलर रहना भी गलत है क्या मैम? तो बेच दो ना फिर, उसको बेच के पेमेंट करो। टू व्हीलर है आपके पास, आप कहाँ रहते हो आपको एड्रेस नहीं मालूम? वो भी लोन पे मैम, कोई खरीदे आप खरीदोगे? लोन पे है, किस पे भी रहे, आपने सर आपके पर्सनल यूज के लिए लोन लिया है ना, तो अभी इसका पेमेंट भरो ना। 4 महीने से आप पेमेंट नहीं कर रहे, अभी बोले और 2-3 महीना लगेगा। टू व्हीलर लेके घूम रहे, उसमें पेट्रोल भरने का पैसा है क्या? नहीं वो कंपनी देती है ना पेट्रोल, अभी अपन पेट्रोल पंप पे 500 रुपए का डालेंगे ना तो अपने को रिसीव देता है, अपन कंपनी में दिखा देगा तो अपने को रिटर्न करता है कंपनी। अच्छा कंपनी आपको पेट्रोल का पैसा देगी, लोन भरने का पैसा नहीं देगी क्या? सैलरी नहीं देती है क्या कंपनी? सैलरी काम करते हो आपने? नहीं नहीं सैलरी देती है मुझको ऐसे तो, लेकिन क्या मेरा सैलरी है 12,500 मैम मुझे। और कितना भी दे सर, आपको मिनिमम पेमेंट तो करना पड़ेगा, आप 4 महीने से पेमेंट नहीं कर रहे हो। और ऐसी कौन सी कंपनी में आप काम करो जो आपको पेट्रोल का पैसा देती है पर सैलरी 12,000 देती है? यस मैम वही तो बोल रहा हूँ आपको, बहुत चालू कंपनी है वो। चालू कंपनी है सर, चालू कंपनी आपको पेट्रोल का पैसा देगी? वाह, तो फिर आप भी चालू रहेंगे सर। एक काम करो, जो टू व्हीलर है ना बेच दो, और बेच के यहाँ पे ना लोन का पैसा भर दो। आप खरीदो ना मैडम, आपको बेच देता हूं। मैं क्यों खरीदूँ आपको जरूरत है ना? आप क्यों बोल रहे हो बेचने के लिए भी, आप होते कौन हो? तो बैंक का पैसा भरो ना फिर, बैंक का पैसा भरो
आप होते को ना बैंक बेचने आपको की बोलने बेचना है कैसे? क्या, हाँ गाड़ी बेचना है क्या, आप तो बोलो आप होते कौन सा को गाड़ी है, कौन सा गाड़ी मेरा है, मेरा नहीं तो ये फिर पैसा भरने, जब पैसा नया गाड़ी भरने है के लिए ना, नहीं है तो गाड़ी बेचो ना, फिर गाड़ी बेचो, फिर गाड़ी बेच के पैसा भरो। आप खरीद लो ना मैडम फिर। आओ ना, कौन सी गाड़ी है, नाम तो बताओ, खरीद ये लेंगे ना हम, अपना क्योंकि नॉर्मल मर सा है, देना उससे नॉर्मल पैसा। सा है, वर्जन 3 यमा का। सर पैसा भरने की तो औकात नहीं है, गाड़ी बेचेंगे। आप खरीद लो मैम, औकात तो मेरी ना। अभी क्या मेरे लिए रिश्ता देख रहे हो क्या, अपनी बहन के लिए मेरी औकात देख के? तुम्हारी तो क्या बोल रहे हो, बहन से शादी करवाने वाले हो क्या मेरी औकात देख के? आपको करना है क्या किसी से शादी? नहीं तुम्हारी बहन से करवाओगे तो करवा कर लूंगा, या आप भी चलोगे? सर, आप ना पेमेंट नहीं भर रहे हैं ना, मत भरो, मैं आपके फैमिली मेंबर को ही कॉल करके पेमेंट करवा लूंगी, रहने दो, आपकी कर दीजिए, औकात फैमिली नहीं है मेंबर को भरने करो, की। फैमिली मेंबर को हाँ करो तो 1 रुपये हाँ भी नहीं मिलेगा मेरे से। नहीं मैं नहीं आप तो पेमेंट करने वाले हैं नहीं, ये 4 महीने से पेमेंट कर दे नहीं दिया रहे ना हो, फिर पेमेंट आपको आपकी दीजिए मैम। कंपनी गाड़ी का पैसा दे रही है, लगता है आपको सैलरी कम दे रही है, तो हाँ वो कंपनी के पास से क्या मैं 5 लाख रुपए लिया था, ये लगता है कह कंपनी भी भिखारी है, भिखारी कंपनी के पास ही काम करते हो क्या? रहा हूँ। हाँ मतलब ऐसे तो कंपनी वही ऐसी गाड़ी का देती है पैसा, 5 लाख, पेट्रोल का पैसा देती है कंपनी, पेट्रोल का पैसा देती है, खाने पेट्रोल के का लिए पैसा लगता नहीं देती है, देती रिसिप्ट है। देगा तो। एक्चुअली क्या मैं उनसे भी 5 लाख रुपए लिया था, मेरे जो सर है उन, वो क्या मेरा आधा पगार जो है ना, मेरा पगार है 25 हजार, तो आधा पगार काट लेती है कंपनी। तो सर एक्स्ट्रा आप ले सकते हो ना, सर आप ही नहीं समझो दे रहे कि ना आप मैं उनसे, 4 महीने से पेमेंट रोज नहीं भर रहे हो, सर आप ही रिक्वेस्ट समझो, है 4 महीने से पेमेंट आप भर नहीं रहे हो, आपको जरूरत थी तो बैंक ने लोन दिया ना, अभी आपका भी काम अभी। बढ़ता है पेमेंट भरने का। मैं अभी आपको ये नहीं बोल रही कि आप आपका पूरा पैसा भरो, मैडम देखिए मैं एक जगह पे तो अरेंज भी कर रहा था, मेरा मामा है जो झारखंड में रहता है ना, तो क्या आप सर 4 महीने से नीरज अरेंज ही कर रहे हो क्या, 4 महीने से साहब। अरेंज कर रहे हो आप आप? मेरा सुनोगे कि नहीं? क्या आपका ही बंगा चालू रखना है तो रखो फिर। बोलो बोलो। मेरा जो अपना मेरा मामा था झारखंड में धीरज साहू, वो क्या अभी उनसे ही मांगा था मैं 25 करोड़, तो देने वाले ही थे मुझको 1-2 महीने में, कितना लेकिन क्या मांगे थे सर उन्होंने आप? 25 लाख, 25 लाख में। अच्छा 25 लाख मांगे थे, तो उसमें हाँ से आधा तो पैसा लोन भरते। हाँ यार, तो एक्चुअली क्या हुआ मैम मालूम है क्या, उनके घर पे ना राइड गिरी। आप अभी आज तक या एबीपी न्यूज देख लीजिए, वो आपको दिखाई देंगे उसमें। सर मेरे को ना न्यूज वगैरह देखना नहीं है, मैं अभी आपके ये जो भी है मुझे न्यूज देखने का वो नहीं है, आप पेमेंट का बताओ क्या है अभी आपका सर, फिर ये लीगल नोटिस निकल जाएगी ना सर, तो फिर मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, अभी आपका केस जो है वो कलेक्शन मैडम डिपार्टमेंट में देखिए, आया, इसके बाद लीगल नोटिस निकलेगी ना सर, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप भी क्या कुछ नहीं कर होता है सकते, फिर लीगल आपको नोटिस पूरा में, क्या पैसा होता है भरना पड़ेगा, फिर लीगल आपको नोटिस पूरा में? पैसा भरना पड़ेगा लीगल नोटिस निकलेगी तो। लीगल नोटिस में होता क्या है मैम? मेरे ना ऐसे पेट में दर्द है। हेलो हेलो हेलो, आपके बाजू वाले को फोन दे दो ना, वो ज्यादा बंकत कर रहे हैं पीछे पे। अब बोलिए सर, क्या हुआ? आपके पीछे जो बैठे हैं ना उनको ही दे दो फोन, वही बात करेंगे। हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ बोलो। वही आप लीगल बोल रहे थे, लीगल में क्या होता है मैम? जेल बिल होता है क्या इसमें? जेल क्या होता है? में वगैरह जाना पड़ता है क्या? नहीं ऐसे चोर लोग को नहीं भेजते सर, भिखारी लोग को नहीं भेजते जेल में, क्यों मैम? जब भिखारी है पता है तो जेल में भेज के क्या करेंगे उधर, तो अरे उधर फुकट में खाना पीना मिलेगा, थोड़ा आराम तो मिलेगा, इतनी खुद ही जाओ ना, टेंशन खुद नहीं। कर आजू बाजू में किधर चोरी वोरी कर लो और जाओ, फिर जेल में जाके बैठ जाओ। आपका एड्रेस दो ना, आपके घर पे चोरी करता हूँ। हाँ आपका एड्रेस दो, आपके घर पे चोरी करता हूँ। किधर? फोर्ट ब्रांच में आ जाओ, फोर्ट ब्रांच। फोर्ड ब्रांच, ओके। हाँ बोलिए, फोर्ड में आपका ब्रांच है, हाँ उधर आके चोरी कर लो। चोरी कर लो बैंक में? नहीं मैम वो तो फिर जेल में, हाँ वो फिर पुलिस लोग मारेंगे बहुत मुश्किल। इसकी फैमिली मेंबर को कॉल लगा, अधिकारी की औकात बता क्या है क्या नहीं है, रिकॉर्डिंग है ना वो सब भेजते, ओके सीवीच में भी इसकी रिकॉर्डिंग डाल दे। भिखारी, और क्या क्या फैमिली मेंबर्स को कॉल करोगे आप? ठीक है भिखारी, चल रख फोन भिखारी।